जिले के ग्राम सिहौलिया में अरहल की फसल पर लगा पाला, किसानों की फसल हुई बर्बाद। मामला सीधी जिले के ग्राम सिहौलिया का है, जहां पर अरहल की फसल पर पाला लगने के कारण किसानों की फसल काफी बर्बाद हो गई है। किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग रखी है। मामला सीधी जिले के ग्राम सिहौलिया का है, जहां पर अरहर की फसल पर पाला लग जाने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहां पर मौजूद किसानों के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से इस वर्ष काफ़ी ठंड पड़ने के कारण हम लोगों की फसल खराब हो गई, अरहर की फसल में पाला लग गया, जिसके कारण अब हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के शासन प्रशासन से लोगों ने मांग रखी है कि हम लोगों को सर्वे करके मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोगों का जीवन यापन चल सके। आइए सुनाते हैं इस पर लोगों का बयान। हमारा समस्या सार ये है कि हम लोग खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, हमारे देश में ये गोरू माल सब खा लिए हैं और पाला इतना कठिनाई पड़ा कि सब अन्न अरहर सब झुरा गई। अब हमको समाधान ही सरकार करना चाहिए, आप लोग की कुछ में कुछ मदद हो तो हम लोग का लड़का बच्चा जी जाए सर, नहीं तो अरहर पूरा पाला मार दिया। हाँ, पूरा मार दिया सर, पूरा गांव एक मारे, पूरे गांव के। का नाम का है? भोला साकेत यावलिया। सुअर प्रजाति में वायरस फैलने से सुअरों की हुई मौत, लोगों ने जिला पंचायत पहुंचकर सीधी कलेक्टर को दिया शिकायती पत्र। बता दें कि सीधी जिले के ग्राम नकवेल में लोगों के द्वारा बताया गया कि हमारे गांव में सुअरों में बीमारी फैल गई, जिसके कारण हमारे जो जीव थे वो मर गए, लेकिन आज तक हमें मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिस बात को लेकर के हम काफ़ी संख्या में आज जिला पंचायत आए हुए हैं और सीधी कलेक्टर को शिकायती पत्र दे करके मुआवजे की मांग की जा रही है कि जाँच करा कर हमें मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि यह बीमारी सुअरों में फैली, जिसके कारण सीधी कलेक्टर के द्वारा बीते दिनों प्रतिबंध भी लगाए गए थे, लेकिन हमें मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। आइए सुनाते हैं इनका क्या कहना है। भैया हमारा राम भोर बन सर। कहाँ से आए हैं? राम नकवेल। का समस्या लेके आए हैं? समस्या लेके मैं आया हूँ हमारे कि खाली व्यवसाय रोजगार सुअर पालन, सुअर और बाँस। बाँस का धंधा तो चल नहीं रहा, सुअर थी, सुअर सब बीमारी फैली, बीमारी कारण सब सुअर मर गए, हम लोग व्यवसाय हो गए, इसलिए मैं हम लोग अब तो आए थे कलेक्टर साहब के पास आवेदन सहायता राशि के लिए कि हम लोगों की भी कुछ सहायता हो और हम लोगों को भी कुछ भाई बाल बच्चे पालने के लिए कुछ सहायता हो मिलना चाहिए, इसीलिए आए। आवेदन आपने दे दिया? आवेदन दे दिया। जिले में हो रहे रेलवे के कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आया सामने। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह बघेल के द्वारा सीधी जिले में चल रहे रेलवे के कार्य को लेकर के उनका बयान सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं रेलवे के कार्य को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह बघेल का क्या कहना है। बड़ी बात मध्य प्रदेश में सीधी जिले में आ रही है। शिगरौली ललितपुर का जो रेल लाइन था उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, जमीन के बदले नौकरी देने की जो बात की ये थे, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों को नौकरी मिली जो लोग पूंजीपति, जो लोग युवा बेरोजगार हैं वो आज भी बेरोजगारी में चल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, रेलवे में नौकरी नहीं मिली। इतना ही नहीं, उनको जो शासन से अनुदान जमीन के बदले राशि भी मिलनी थी, राशि भी नहीं मिली। किसको दोषी मानेंगे पूरे मामले में? इसमें मध्य प्रदेश के मामा, नौटंकी मामा जो है शिवराज जी हैं, वो हमारे भी मामा कहलाते, हमारे बच्चे की भी मामा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि मामा वही हो सकता है कि बच्चे को हो या कि हमारे, लेकिन शिवराज मामा जो है जनता जान चुकी है। अगर रेलवे सीधी सिगरौली लाइन की रेलवे अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अगर इसमें सबसे बड़े भ्रष्टाचार में शामिल है। जंगल में मिला वृद्ध का शव, जांच में जुटी पुलिस। मामला बनपर क्षेत्र दुबरी के बीड बढ़िया अंतर्गत का है, जहां पर एक वृद्ध का अज्ञात कारणों से शव मिला है, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और जांच में जुटी हुई है। मामला सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत का है, जहां पर बनपर क्षेत्र दुबरी के बीड बढ़िया में एक वृद्ध की लाश मिली है। लाश को देख करके आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा मझौली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मझौली पुलिस पहुंची हुई है और जांच में जुटी हुई है। बता दें कि बनपर क्षेत्र दुबरी के बीट
बड़िया में वृद्ध की लाश मिली है, विवेचना की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए वृद्ध का शव मर्चुरी भवन लाया गया है। बता दें कि सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत वनपर क्षेत्र दुबरी के बीट बड़िया में यह घटना देखने को मिली है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। संजय गांधी महाविद्यालय के खराब रिजल्ट को लेकर छात्र नेता शिवम शुक्ला का बयान आया सामने। बता दें कि जिस तरीके से इस वर्ष संजय गांधी महाविद्यालय का रिजल्ट काफी खराब आया, जिस बात को लेकर के छात्र नेता शिवम शुक्ला का बयान सामने आया है, उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर छात्र नेता शिवम शुक्ला का क्या कहना है। उन्होंने आज दिनांक को कहा है कि रिजल्ट इसी तरीके से खराब आता रहेगा तो छात्रों को लेकर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जो आया है बहुत ही निराशाजनक है, जिसमें कई छात्रों का भविष्य खतरे में है। परीक्षा परिणाम जो भी है, जहाँ संजय गांधी महाविद्यालय में क्लास बराबर नहीं लगती, छात्रों को बराबर शिक्षा नहीं मिल रही है, जबकि रिजल्ट में ये इस तरह के लापरवाही करना बिल्कुल ही छात्रों के हित के लिए गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं महाविद्यालय को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर परीक्षा परिणाम इसी तरह रहा तो मैं जल्द ही एक बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा, जिसकी जवाबदाही शासन प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की होगी।